महीने में दो बार सर दर्द, दो बार पेट दर्द और एक बार चक्कर, ये सब बहाने तो अपने मंथली रूटीन में था। लेकिन कभी कभी भगवान जी की मेहरबानी से छुट्टियों में दो तीन दिनों का इजाफा हो जाता था। बीमार होने पर हम पहले भी उतने ही खुश होते थे जितने कि आज। क्योंकि आज भी जब सुपर बॉस का रिव्यू मीटिंग होता है तो हफ्ते भर पहले से हम अपने बॉस को ये बताने से नहीं चूकते हैं कि हम बीमार और बहुत तेज बीमार पड़ने वाले हैं। और बॉस कहीं से और जगह से नहीं टपकता है, हमारी जिल्लत वाली गलियों से ही गुजरा होता है, मतलब हमारी बिरादरी का होता है, हमारी बिरादरी का। उसे भी पता होता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो दो दिन पहले ही छुट्टी दे देगा, जा बेटा आज जा तू घर आराम कर। और कहता भी है कि देख आज जाके तू आराम कर, लेकिन परसों ना तुम्हें आना ही पड़ेगा। परसों किसी भी कंडीशन में रहे तू ऑफिस आना है तुम्हें। सर अगर मैं बहुत तेज बीमार रहा तो, अगर मैं हॉस्पिटलाइज रहा तो? सर नहीं, तू कहीं भी रह बेटा, तुम्हें ऑफिस आना है। इतनी जबरदस्ती तो बात भी नहीं की हमसे। ये सब ना आज की सैलरी की तरह हो गया भाई, पूरी जिंदगी अपनी एक सैलरी की तरह सिमट गई है। सब कुछ वैसा ही सेम सेम लाइफ में चल रहा है। जैसे सैलरी पहले 15 दिन में खत्म, वैसे ही स्कूल के टाइम में सारी छुट्टियां पहले 15 दिन में खत्म हो जाती थी। पेट दर्द सर दर्द सब पहले 15 दिन में खत्म। लास्ट का 15 दिन सरवाइव करना आज जितना डिफिकल्ट है ना, इतना ही पहले भी था। क्योंकि मास्टर जी को भी पता होता था, जैसे बॉस को पता है, वो लास्ट के 15 दिन के लिए सब कुछ बचा कर रखते थे। वो सब कुछ जिससे हम डरते थे या फिर जिसके डर से हम बीमार हो जाए, वो सब लास्ट के हफ्ते के लिए मास्टर जी बचा कर रखते थे। वीकेंड, मंथ एंड, क्वार्टर एंड और ईयर एंड, ये सब हमारे पुराने दुश्मन हैं, जो हमारे पैदा होने के साथ ही पैदा लेते हैं। और जब तक हमारा सांस हमारा साथ ना छोड़ दे, ये हमारे साथ ही रहते हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं। स्कूल को ऑफिस समझो, मास्टर जी को बॉस और टास्क को टारगेट। समझ जाओ, पहले इसको समझ लो, मजा आएगा। और एक बात और जोड़ देता हूं मैं, बैचलर के लिए वहां भी बगल वाली पे जेब खाली करते थे और यहां भी करते हो ना, जेब खाली। अगर तब स्कूल वाली नहीं मिली तो अब ऑफिस वाले भी तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं, चांस ही नहीं है। तुम्हारा बेस ही कमजोर है। भूगोल में हमने पढ़ा है दुनिया गोल है, चीजें रिपीट होंगी। स्कूल रोज जाते होगे तो ऑफिस भी रोज आओगे। मास्टर जी से अगर तुम्हारी बनती हो गई तो बॉस से भी बनेगी। और अगर टास्क कंप्लीट करते थे तो तुम टारगेट भी अचीव कर सकते हो। इसी तरह अगर वहां
बगल वाली से कुछ डेबिट क्रेडिट चलता होगा, तो यहां भी बगल वाली से डेबिट क्रेडिट चलेगा और चलता रहेगा। ठीक है, हमारी प्रार्थना भगवान जी ने तो कभी सुनी ही नहीं, कभी नहीं सुनी। ना बचपन में मास्टर जी बीमार होते थे, बॉस। एक बार गलती से मेरा बॉस बीमार हो गया था, दिल को सुकून मिला कि चलो दो चार दिन कोई पूछने वाला बंदा है नहीं। फिर पता चला कि बॉस आईसीयू में है। मुझे लगा बंदे को गेटवेल सुनकर मैसेज तो भेज दूं, मैं तो कल के बंदे अगर कल को वापस आ गया तो बजा देगा। मैंने उसे मैसेज कर दी, गेट वेल सून सर, गेट वेल सून। उधर से क्या रिप्लाई आया पता है? बॉस का रिप्लाई आया, बेंचो मरा नहीं हूं, ये बता धंधा कितना किया आज। मतलब कहा ना, हमारी बात भगवान ने तो कभी नहीं सुनी, कभी नहीं, क्योंकि हमने भूगोल में पढ़ा है दुनिया गोल है, जिंदगी के सफर में हर दिन भरना पड़ता टोल है, चीजें रिपीट होंगी, वही हो रही है। मास्टर जी से शुरुआत थी, बॉस पे आठ की है। थैंक यू।